इवनिंग एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू द फर्स्ट गोइंग टू टीच यू फर्स्ट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम लीनियर मॉडल विच इज वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लेसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. इट वॉज प्रपोज बाई हेरल्ड लेसवेल इन 1948. यानी लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपको हेरल्ड लेसवेल के द्वारा प्रपोज किया गया था 1948 में. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्शन मॉडल और लीनियर मॉडल और वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. इसको हम लोग एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल या वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन मॉडल. ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कम्युनिकेशन मॉडल है. दे यूजेस फाइव क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. उन लोगों ने यानी हेरल्ड लेसवेल ने बेसिकली पांच क्वेश्चंस को यूज़ किया बताने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन मॉडल के सबसे ज़्यादा एस्पेक्ट्स को. दिस मॉडल इज मेनली यूज फॉर मास कम्युनिकेशन. ये मॉडल ज़्यादातर मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इसका मतलब जब बहुत सारे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, मास स्केल पर कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, उसके लिए हम लोग मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. जैसे हमारे पीएम मोदी को कोविड के समय इन्फॉर्मेशन देना था या कोई और उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती तो वो क्या करते हैं, मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. यानी इसका मतलब है कि वो उस टाइम लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करते हैं. लेसवेल मॉडल इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर इट्स सिंप्लिसिटी. अब ये मॉडल जो है इसको हम लोग क्रिटिसाइज करके इसकी निंदा करते हैं सिंप्लिसिटी से. यानी ये जो छोटा सा समरी लेसवेल ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का यही है कि इसको हेरल्ड लेसवेल ने दिया था 1948 में. इसको हम लोग एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल या वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं. ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करने वाला कम्युनिकेशन मॉडल है और ये वो मॉडल है जिसको कि हम लोग कोई भी जानकारी जब बहुत ज़्यादा लोगों को देनी होती, लार्ज स्केल पर देनी होती, तब इसको हम यूज़ करते हैं. और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको बताने के लिए, इस मॉडल को यूज़ करने के लिए हम लोग पांच क्वेश्चंस को यूज़ किए, उसको डिस्क्राइब किए कि इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा स्पेक्स क्या, उसके फीचर्स क्या इस पांच क्वेश्चंस में. तो उसको जो पांच क्वेश्चंस है वो मैं आगे पढ़ूंगी, बताऊंगी. लेसवेल मॉडल इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर इट्स सिंप्लिसिटी. और लेसवेल मॉडल को उसकी सिंपल, क्योंकि बहुत सिंपल, ये पांच क्वेश्चन ही में सब कुछ डिफाइन किया गया और इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, इस कारण से हमने इसको क्रिटिसाइज किया. अब इसका सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला के दूंगी. आई होप आपको इतना समझ में आया हो. और अगर मेरी चैप्टर्स, मेरे टॉपिक समझ में आ रही, पसंद आ रही, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.